trying to trust her. I was peeping it out. She turned around and was trying to put my dick in the mouth. I let her. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपने भी नया नया पीसी लिया है और आपको भी अपना गेम प्ले का या कुछ भी चीज़ का आपको स्ट्रीम करना है, चाहे फ्री फायर हो, चाहे BGMI हो, चाहे वेलोरेंट हो, GTA 5 कुछ भी हो, आपको अगर उसका स्ट्रीम करना है यूट्यूब चैनल पर, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको बहुत ही ईजी वे में समझा दूंगा कि आप कैसे स्ट्रीम कर सकते हो। तो दोस्तों, उसके लिए दो कंडीशन अप्लाई होती है। सबसे पहले आपके पास में अगर स्ट्रीम लैब एप्लीकेशन है, दोस्तों जरूरी नहीं स्ट्रीम लैब से करो या OBS से करो, लेकिन दोस्तों मैं अभी आपको स्ट्रीम लैब से करना सिखाऊंगा। अगर आपको OBS से देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से कर लेना है। तो दोस्तों, आपको क्रोम पे आना है और स्ट्रीम लैब यहाँ पे सर्च करना है। जैसे स्ट्रीम लैब सर्च करोगे तो जो सबसे टॉप पर आए ना, जो सबसे टॉप पर आए उसको आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपके पास में ये डाउनलोड है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड का लोगो दिख रहा है तो इसको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है इजी तरीके से। दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाना, लास्ट तक आपका स्ट्रीम लैब का पूरा सेटअप करवा दूंगा। तो दोस्तों, मेरा डाउनलोड हो चुका है यहाँ से। अभी आपको क्रोम को बंद कर देना है, दिस PC में आना है और डाउनलोड सेक्शन ओपन कर लेना है और सबसे ऊपर आपको दिखेगा स्ट्रीम लैब, इसको डबल क्लिक करके रन कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, जिस भी गेम का स्ट्रीम करना है उसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे फ्री फायर का स्ट्रीम करने वाला हूँ, तो दोस्तों मैं फ्री फायर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको आपको मिनिमाइज कर देना है। दोस्तों, इस फ्री फायर को मिनिमाइज करना है, फिर आपको स्ट्रीम लैब एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है जो भी आपने इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो दोस्तों, थोड़ा टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में। जब तक अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, हमारा थोड़ा लोड ले रहा है और फाइनली ओपन हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे सामने कुछ ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आ रहा होगा, ठीक है। दोस्तों, आपके सामने भी कुछ ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, नीचे देखना। तो दोस्तों, यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है और सबसे पहले आपको दिखना है कि आपको गेम कैप्चर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे गेम कैप्चर को सिलेक्ट कर लिया हूँ, एड सोर्स कर देना है। उसके बाद में ऊपर से आपको इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों, आपको कुछ भी सेटिंग नहीं करना है, ऑटो है तो ऑटो रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ मत करना वरना सेटिंग बिगड़ जाएगा पूरा। फिर दोस्तों, आपको आना है, उसके बाद में विंडो कैप्चर आपको सिलेक्ट करना है और साइड में आपको दिखेगा ऐड सोर्स, इसको क्लिक कर देना है। और यहाँ ऐड सोर्स करना दोस्तों, सबसे ऊपर दिखेगा विंडो वाला ऑप्शन, वहाँ पे आपको गेम को 2-3 बार बैक जाके वापस आना है, तो वहाँ पे आपको ब्लू टेक्स का ऑप्शन दिख जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ब्लू टेक्स सेलेक्ट कर देना है और मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है, उनसे डन कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों, उसके बाद में इसका डिस्प्ले साइज आपको एकदम सेट कर देना है परफेक्ट अपने हिसाब से। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले साइज एकदम परफेक्ट सेट कर दिया है चारों तरफ से, ठीक है। अब दोस्तों, बात आती है कि आपका आवाज़ भी तो कैप्चर होना चाहिए ना, किससे आपका आवाज़ कैप्चर होगा, तो वही प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और ऑडियो इनपुट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑडियो इनपुट सेलेक्ट करना है, ऐड सोर्स पे दबा देना है और दोस्तों आपको ऐड सोर्स फिर से क्लिक करना है। और दोस्तों, यहाँ पे डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो भी आपका माइक कनेक्ट होगा PC से वो सेलेक्ट कर देना है। तो मेरा माइक यहाँ पे सेलेक्ट है, तो मैं इसको माइक्रोफोन सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ से डायरेक्ट क्लोज कर देना है, ठीक है। फिर से प्लस वाला आइकन पे करना है। दोस्तों, अब कि आपका आवाज़ बाहर भी तो जाना चाहिए ना, आवाज़ आपका बाहर कहाँ से जाएगा, टीममेट के साथ बात करोगे। तो दोस्तों, आपको ऑडियो आउटपुट कैप्चर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, आपका ऑडियो बाहर किस चीज़ से जाएगा, आपका हेडफोन लगा होगा, वही तो चीज़ बाहर जाना है ना, तो आपका यहाँ पे हेडफोन सेलेक्ट कर लेना है। मेरे में यहाँ पे हेडफोन था, मैंने सेलेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका सेटिंग हो चुका है कंप्लीट स्ट्रीम लैब का 0.5%, ठीक है, 50% हो चुका है। अब दोस्तों, आपको 50% क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड कोने में, वहाँ पे जाना है और स्ट्रीम का ऑप्शन दिखेगा नीचे, जो जो सेटिंग मैंने कर रखी है ना वही चीज़ आपको करना है। ऊपर वाले में लिखना है स्ट्रीम सर्विस, ठीक है, नीचे में RTMS जो है ये रखना है और नीचे जो रखना है ना, जो डिफॉल्ट आएगा वही रखना है। और दोस्तों, सबके लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है स्ट्रीम की। दोस्तों, स्ट्रीम की क्या होता है, मैं इसको एक बार साफ कर दे रहा हूँ मेरा स्ट्रीम की को, और आपको बताता हूँ कि स्ट्रीम की कैसे लाना है। तो दोस्तों, आपको स्ट्रीम की लेने के लिए सबसे पहले चला जाना है क्रोम ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। क्रोम ब्राउजर पे जाना है, वहाँ पे आपको अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा यहाँ यूट्यूब ओपन हो चुका है और यहाँ पे गो लाइव के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको लाइव वाले ऑप्शन पे आ जाना है। दोस्तों, इतना तो आपको आता होगा, मुझे पता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा थोड़ा लोड ले रहा है, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पे एडिट करके आप टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्या लगाना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एडिट करके नीचे साइड में एक ऑप्शन देखना, स्ट्रीम की का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना, स्ट्रीम की को कॉपी करना, स्ट्रीम URL कॉपी मत कर लेना। तो मैंने स्ट्रीम की कॉपी की और आपको आ जाना है वहीं पे, फिर से स्ट्रीम लैब एप्लीकेशन पे आ जाना है। ये तो दोस्तों गलती से ओपन हो गया यहाँ से डायरेक्ट, लेकिन इसको मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल, तो ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्ट्रीम लैब एप्लीकेशन पे आना है और वहीं सेटिंग पे जाके आपको स्ट्रीम वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, ठीक है। वहाँ पे आपको स्ट्रीम की ऑप्शन पे पेस्ट कर देना, लाके Ctrl+V दबाना है और ऐड कर देना है, ठीक है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखते जाना, अगर स्ट्रीम बिगड़ गया ना तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ध्यान रखना। तो इसलिए एक एक चीज़ लास्ट तक देखें, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर आप कमेंट करोगे भाई ये चीज़ समझ में नहीं आया। तो दोस्तों आपको आउटपुट वाले ऑप्शन पे आना है। अगर आपका PC में बहुत ज़्यादा हाई है लेवल का PC, मतलब 10-12 GB रैम है, हाई लेवल का PC है ना, तो आपको यहाँ पे 1900 रख देना है। बल्कि मेरा लो PC है तो मैं यहाँ पे 720 पे स्ट्रीम करता हूँ, ठीक है। और इसका ये बैलेंस पे रखना है हमेशा, ठीक है दोस्तों, इसको बैलेंस पे रखना है। सबसे मेन चीज़ आती है नीचे जाना है, आपको देखना है बिटरेट। अगर आपका इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का, जैसे 100 MBPS है, 200 MBPS है, तो आपको क्या करना है, इसको 5000 तक आप कर सकते हो, लेकिन मेरा इंटरनेट 60 MBPS था तो मैं इसको 2500 पे रहने देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फिर नीचे आना वीडियो पे ऑप्शन पे, वहाँ पे आउटपुट पे भी आपको 1280x720 पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और 100 FPS आपको 60 ही रखना है, 100 MBPS याद आ गया गलती से, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों आपका वेबकैम है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, मेरे पास नहीं है फिलहाल तो मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ से सिंपली आपको गो लाइव पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको देखना है क्रोम पे आके कि आपका स्ट्रीम कंटिन्यू हुआ है कि नहीं। तो फाइनली दोस्तों हमारा स्ट्रीम स्टार्ट हो चुका है क्रोम ब्राउजर पे, और साइड में चैट भी चलेगा, लेकिन फिलहाल मैंने इसको प्राइवेट कर रखा है तो किसी को दिखेगा नहीं ये क्या चैट चल रहा है, ठीक है। मतलब किसी को स्ट्रीम नहीं दिखेगा, मैंने इसको प्राइवेट कर रखा है। तो दोस्तों ऊपर हमारा प्रीव्यू चल रहा है कि स्ट्रीम कैसा चल रहा है सबके सामने, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रीम को क्वालिटी 144 पे रखना, वरना आपका फिर ना PC लेग मारने लग जाएगा अगर लो PC है तो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना गेम प्ले डायरेक्ट करना है। अगर आपको चैट पढ़ना है तो आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना होगा, चैट पढ़ना होगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल मैं इस स्ट्रीम को एंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। 5 बातें ऐसी है दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है, अगर वो आपको नहीं पता ना तो आप मतलब है ना आपको बहुत टाइम लग जाएगा स्ट्रीम लैब को सीखने के लिए। तो वो चीज़ें आपको है ना ध्यान से पहले ही सीख लेना है, वरना है ना आप खुद से, तो दोस्तों अगर आप खुद से सीखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप देख के सीखोगे तो अच्छा होता है। तो दोस्तों मैं आप स्ट्रीम को फिलहाल एंड कर दिया हूँ दोनों जगह से। दोस्तों आपको सबसे पहले क्रोम से एंड करना है स्ट्रीम को, फिर स्ट्रीम लैब से आके एंड कर देना है, फिर सबको कैंसिल कर देना है, ठीक है। दोस्तों अब आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा YouTube पे आपको, ठीक है। मैं बता रहा हूँ और बता दिया होगा शायद, मेरे को नहीं लगता किसी ने बताया होगा। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना है, ठीक है। आपका PC ना ले करे उसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पे जाना है, गो लाइव पे जाना है, आपको पूरा सेटअप कर देना है क्रोम ब्राउजर पे जाके। दोस्तों मैं वो चीज़ नहीं दिखाऊंगा, सेट कैसे करते हैं आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो कमेंट करके बता देना। तो दोस्तों वहाँ पे सेट करने के बाद में आपको स्ट्रीम लैब एप्लीकेशन ओपन कर देना है, ठीक है। फिर दोस्तों इसको मिनिमाइज कर देना है, फिर आपको अपना गेम ओपन करना है, एक एक चीज करके ओपन करनी है, तो आपका ना PC पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपना गेम का फुल स्क्रीन करके ही स्ट्रीम लैब को ओपन करना है। अगर आप गेम का साइज कम रखोगे तो आपका स्ट्रीम लैब में पे आपका साइज कम आएगा, ठीक है। तो आप देख लेना स्क्रीन के ऊपर, आपको दिखेगा वही चीज़ होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो भी कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।